हेलो दोस्तों, पहले कोरोना वायरस, इकोनॉमिक रिसेशन, साइक्लोन और अब टिड्डियों का हमला यानी लोकस अटैक। ये टिड्डियाँ अफ्रीका के 10 देशों में तांडव और कोहराम मचाने के बाद टिड्डियों की सबसे खतरनाक सेना इंडिया में आ चुकी है। इससे कई फसल खराब हो चुकी है। पहले हम समझते हैं कि लोकस है क्या। दुनिया भर में इसकी 10,000 स्पीशीज पाई जाती है, वहीं इंडिया में इसकी 4 स्पीशीज ही मिलती है। इन स्पीशीज में डेजर्ट लोकस, माइग्रेटरी लोकस, बॉम्बे लोकस, ट्री लोकस शामिल है। इन सब स्पीशीज में डेजर्ट लोकस को सबसे खतरनाक मानी गई है। डेजर्ट लोकस की वजह से 10% आबादी जीवन पर असर हुआ है। लोकस ज़्यादातर डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। ये ऐसी इंसेक्ट है जो ग्रासहॉपर और क्रिकेट इंसेक्ट से काफ़ी सिमिलर है। ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। इसे कहते हैं सोलिटरी फेस। हमें इससे प्रॉब्लम तब है जब ये इंसेक्ट गिगेरियस रूप लेती है। ये येलो और ब्लैक कलर में दिखती है। ये अपने रूप को कभी भी ट्रांसफर कर सकती है सोलिटरी से गिगेरियस में। वो कैसे करती है? जब इन्वायरमेंटल कंडीशन इनके लिए सही हो। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए? बारिश हुई हो, सॉइल मॉइस्ट हो और आसपास बहुत सारी वेजिटेशन मौजूद हो। गिगेरियस फेस में इनकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है, तब ये ज़्यादा खाना खा सकती है। इनकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, तब इनकी मूवमेंट रिपीड हो जाती है, यहाँ तक कि इनकी ब्रेन की साइज भी बढ़ जाती है गिगेरियस फेस में। जब ये ग्रुप स्वॉर्म्स में मूव करने लगती है, तब इन्हें लोकस कहा जाता है। वेल, लोकस हर एक चीज़ खाती है जो उन्हें हरी दिखती है, जैसे क्रॉप्स हो, नॉन क्रॉप्स हो, चाहे गेहूँ हो, घास हो, पोल्ट्री हो, ये सब चट कर जाती है। आमतौर पर ये जामुन और नीम जैसे पेड़ पौधों को नहीं खाती। FAO के मुताबिक इनका वजन 2 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर की लंबी टिड्डियाँ हर दिन अपने वजन के बराबर फसल खा जाती है। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला टिड्डियों का झुंड एक दिन में इतना खाना खा सकती है जितने में 35,000 लोगों का पेट भरा जा सकता है। जब इनके पास खाने को कुछ नहीं बचता, तब ये एक दूसरे को खाने लगती है। इनके हर एक दल में कम से कम 10 अरब यानी 10 बिलियन से ज़्यादा टिड्डियाँ हो सकती है। एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 से 4 बार अंडे देती है। लेकिन ये टिड्डी इतनी खतरनाक क्यों होती है? दरअसल ये एक बार में 95 से 158 अंडे दे सकती है। एक टिड्डी का जीवन आमतौर पर 3 से 4 महीने का होता है। ये टिड्डी अपने अंडे रेतीले मिट्टी में 3 से 5 इंच नीचे देती है। अंडे से निकलने के बाद ये अपने पंख विकसित करती है। आसमान में उड़ती टिड्डी दल एक दिन में 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक रास्ता तय कर सकती है। टिड्डी दल जब बड़ा रूप लेती है, उसे प्लेग कहा जाता है। प्लेग साइकिल इंडिया में पहले भी हो चुके हैं। ये आखिरी बार 1993 में सबसे बड़ा हमला हुआ था। आज जो टिड्डी दल का हमला है, ये पिछले 27 ईयर्स में वर्स्ट अटैक हुआ है इंडिया में। हजारों सालों से ये लोकस अटैक होता आ रहा है। यहाँ तक कि एंशियंट इजिप्शियन अपने टूम्स में लोकस को ड्रॉ किया था, जिससे पता चलता है कि उस समय भी लोकस अटैक हुआ करता था। उन टूम्स की डेट 2400 BC के अराउंड है। इसी रीजन से कई रिलीजियस अपने टेक्स्ट में इन्हें मेंशन किया गया है, जैसे बाइबल में, कुरान में लोकस प्लेग को बताया गया है। आसमान में उड़ती ये टिड्डी दल एक साथ उड़ती है। ये कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। टिड्डियों की देखने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये खुद को शिकारी और पक्षियों से बचाने में भी कामयाब होती है। साइंटिस्ट के अनुसार इसके आँखों के पीछे एक हिस्सा डिटेक्टर मूवमेंट होता है, जिसके मदद से उसको पता चल जाता है कि कोई दूसरा जीव उसके रास्ते में है। खतरे को भांप लेता है और अपना रुख बदल लेता है। आमतौर पर ये टिड्डियाँ जून से नवंबर के बीच दस्तक देती है, लेकिन इस बार अप्रैल से ही दस्तक देना शुरू कर दिया। इसकी सीधी वजह क्लाइमेट चेंज है। दरअसल ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से समुद्र और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश, बाढ़ और साइक्लोन बढ़ गई है, जिससे पूरी दुनिया खतरनाक रूप ले चुकी है। इस साल बेमौसम बारिश का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ ईस्ट अफ्रीका में ज़बरदस्त बेमौसम बारिश ने इनकी ब्रीड को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से 400 गुना ब्रीड हुआ है। टिड्डी दलों से सबसे ज़्यादा हमले अफ्रीका देशों में होता है। केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया।
सूदन में इसका बहुत ज़्यादा कहर है। यमन में ये टिड्डियाँ मुसीबत बन चुकी है। सबसे पहले यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हज़ारों लाखों किसानों को बर्बाद किया, फिर यमन में अपना डेरा डाला, ईरान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुंच गया। कोलकाता में अम्फन साइक्लोन आने से ये टिड्डियों का झुंड और भी इंडिया की तरफ ले आई। विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से ब्लो कर रही थी कि ये झुंड इंडिया की तरफ और आ गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान बाजरे और सरसों को हो रहा है। टिड्डों के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। चलते हैं सॉल्यूशन पे। पहला कॉमन सॉल्यूशन जो सभी कंट्रीज यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़क सकते हो, पर इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में। दूसरा ऑप्शन इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड है, लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती, पर ये पेस्टिसाइड टिड्डियों को इतनी जल्दी नहीं मारती, ये पेस्टिसाइड इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तीसरा, शोर का इस्तेमाल कर सकते हो, लाउड स्पीकर पर म्यूजिक बजा सकते हो, ड्रम बजा सकते हो, लोकस किसी भी तरह की नॉइज से दूर भागती है। हमारे फार्मर ये कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में टिड्डियों से बचने के लिए ऐसा तरकीब ढूंढा जो बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है। इससे ना ही हार्मफुल पेस्टिसाइड की ज़रूरत है और ना ही भारी भरकम मशीनों की ज़रूरत। पाकिस्तान के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ये टेस्ट आउट किया गया। किसानों से कहा गया कि इन टिड्डियों को पकड़कर मुर्गी दाना बनाने वाले प्लांट को दे, इन किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक फ़ायदा होगा। किसान को टिड्डी पकड़ने पर केजी 20 पाकिस्तानी रुपए दिए जा रहे हैं। टिड्डी रात में नहीं उड़ती, ये नेट लगाकर पकड़ सकते हैं। इसे चिकन फीड बनाया जा सकता है। किसान 20,000 पाकिस्तानी रुपए तक कमाई कर रहे हैं। इसमें किसी भी मीट फिश के मुकाबले 62% प्रोटीन पाया जाता है, 17% फैट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयन, फॉस्फोरस जैसे भारी मात्रा पाया जाता है। कई लोग इसे चाव से खाते हैं। कई न्यूज चैनल पे लोकस और स्वर्म्स के बारे में डिस्कशन देखने को मिलेगा। वही ये बातें चल रही होगी, कैसे पाकिस्तान से आया, ये कोई टेररिज्म की साजिश तो नहीं। मगर इस तरह की डिटेल स्टडी जिसमें आपको पूरी रूट को पता चले, कैसे आया, क्यों आया और क्या है इसके नुकसान, इस तरह की चीज़ें और देखना है तो इस चैनल पर मिलेगी। नीचे अगर सब्सक्राइब वाला बटन अभी रेड है तो उसे प्रेस करके ग्रे कर दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। कमेंट में बताइए अपने थॉट्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।